करते हैं द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट डिस्प्ले टेस्ट हमारे ऑनर प्ले का। इस डिवाइस के अंदर में मिलता है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जिसमें आपको मिलती है नॉच। तो इसके डिस्प्ले को आज हम पूरी तरह टेस्ट करेंगे कि इसमें आपकी 4K फाइल चलेगी या नहीं चलेगी। वैसे तो ऑनर प्ले है ये हमारा जिसमें आपको GPU टर्बो मिलता है, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि मेरा जो प्रोफेशनल हैवी शूट होता है वो इस डिवाइस में चलेगा या नहीं। उसके साथ हम देखेंगे कि ब्राइटनेस कैसी है, मीटर में रीडिंग कितनी आती है, कलर्स कैसे है, कंट्रास्ट कैसा है, पूरी तरह इसके डिस्प्ले को हम टेस्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही अगर आपको डिस्प्ले टेस्ट देखना अच्छा लगता है डिवाइसेस का, या फिर अगर आपको गेमिंग रिव्यू देखना अच्छा लगता है जिसमें मतलब पबजी खेलते हैं जिसमें हम एक घंटे की, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं हम इसकी टेस्टिंग को। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिवाइस की ब्राइटनेस। उसके लिए हमने इसकी ब्राइटनेस को 100% पे कर दिया है और एक बार हम देख लें कि ऑटो ब्राइटनेस ऑन नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अब हम इस डिवाइस को रखेंगे मीटर के ऊपर। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग आई है 329, जो कि हमें बताती है कि डिवाइस के अंदर आपको काफी बढ़िया ब्राइटनेस मिल रही है। और साथ ही अगर हम इस डिवाइस की व्यूइंग एंगल्स देखें तो वो भी आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया एंगल्स मिल रहे हैं हमें। और जैसे कि मैंने इस डिवाइस को सनलाइट में यूज़ किया था, तो सनलाइट में भी आप इसको 80% से 100% तक के बीच में रख के इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब आइए डिवाइस के अंदर हम करते हैं इसका वीडियो टेस्ट। सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर हम चलाएंगे अपनी फुल एचडी फाइल। वैसे तो फुल एचडी फाइल इसमें आराम से चल जाएगी, ये हमारा ऑनर प्ले है वो भी GPU टर्बो के साथ, लेकिन हमारी जो फुल एचडी फाइल है वो हमारी 2.6 GB की फाइल है। ये हमारा प्रोफेशनल शूट होता है, जो आपका नॉर्मल शूट होता है मतलब जो आपकी नॉर्मल फाइल्स होती हैं उनसे ये थोड़ा बड़ा शूट होता है। इसको हम टेस्टिंग में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें डिवाइस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चले। इसमें तो हमारी एक्चुअल में जो वीडियो है वो बहुत ही आराम से चलेगी। मेन तो हमें तब पता चलता है जब हम 4K फाइल को प्ले करके देखते हैं। ऐसे जितनी भी हम टेस्टिंग फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले हमारा ब्राइट नज़र आ रहा है। थोड़ी ब्राइटनेस मैं आपको बढ़ा के भी दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले आ रहा है नज़र हमारा। थोड़ा सा मैं आगे करते हैं इसको, फॉरवर्ड करने में भी हमारी ये वीडियो आराम से चल रही है, फुल एचडी वीडियो। कलर्स एकदम बूस्ट होके नजर आ रहे हैं इसके अंदर, बढ़िया नजर आ रहे हैं। डिस्प्ले एक्चुअल में ब्राइट भी है इसका और कलर्स के हिसाब से एकदम वाइब्रेंट भी है। आप देख सकते हैं ब्लू स्काई, ग्रीन ग्रास एकदम मस्त नजर आ रही है इसके अंदर। अब हम एक काम करते हैं, इसके साथ ही हम इसकी साउंड को भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो देखते समय हमें डिवाइस की साउंड भी सुननी होती है कि कैसी हमें साउंड मिल रही है। तो इसके अंदर ये रहे हमारा स्पीकर। ₹101 तक हमारा ही गया रीडिंग। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें जो साउंड है वो एकदम क्लियर आ रही है, क्रिस्प आ रही है। साउंड जो है हमारी वो लाउड भी है। ये आप देख सकते हैं हमारा 8.3 GB की फाइल है जो 4K फाइल हम इसमें अब चलाने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक हमारा क्रैश कर गया। कई बार होता है कि जैसे हमारी प्रोफेशनल शूट है, हैवी फाइल है, तो शुरू शुरू में ही अटकती है, बाद में स्मूथ हो जाती है। तो अभी जैसे कि ये फाइल शुरू में तो हमारी अटक नहीं रही, हमारी जो वीडियो है वो तो एकदम स्मूथ चल रही है, तो हो सकता है कि इसका म्यूजिक आगे जाके आ जाए। बट वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं आप, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी
बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका डिस्प्ले। अब ये हमारी है भी बड़ी फुल एचडी, अब ये हमारी है भी बड़ी फाइल, फुल एचडी बोला मैंने, 4K फाइल। आपकी 4K फाइल्स तो बहुत ही आराम से चलेंगी, चल तो ये भी आराम से रही है, मतलब उसमें म्यूजिक की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत प्यारा लग रहा है इसका वीडियो। अब हम इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखते हैं। फॉरवर्ड जब जस्ट करते हैं ना, तब एक्चुअल में जर्क आता है और उसमें होता है हमारा कि डिवाइसेस कहीं पर रुक जाते हैं, हैंग कर जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एकदम से बढ़ाया आगे और ये स्मूथ ही चल रहा है। देखा जाए हमारा वीडियो काफी प्यारा चल रहा है इसके अंदर। तो 4K फाइल की टेस्टिंग हमारी इसमें काफी बढ़िया रही, डिस्प्ले हमारा वीडियोस में बहुत ही बढ़िया साउंड नजर आ रहा है और साथ ही हमारी जो फाइल है वो भी आराम से प्ले हो रही है। अब इसमें हम कर लेते हैं एक गेमिंग टेस्ट, एक छोटी सी गेम खेल के देखते हैं कि गेम खेलते समय आपको कैसा डिस्प्ले मिलता है। हम इसमें छोटे गेम खेल रहे हैं, वैसे मैंने इस डिवाइस का जो गेमिंग रिव्यू होता है वो ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें हमने इसकी पबजी टेस्ट करी थी और काफ़ी लोगों को इशू था कि इस डिवाइस के अंदर हमारा बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वीडियो में हमने 1 घंटे का पबजी रिव्यू किया था और आपको उसमें बैटरी कंजम्पशन के बारे में भी पता चल जाएगा, साथ ही हीटिंग इशू के बारे में भी पता चल जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वैसे तो ये जो हमारा चैनल है TNG गेमिंग, इस पर आपको डिस्प्ले और गेमिंग सभी डिवाइसेस के मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ वीडियोस, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फ़ोन से रिलेटेड, वो सारे हमारे जल्दी सॉल्व हो जाए आंसर्स। इस गेम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है, हमारी जो ये गेम है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके अंदर डिस्प्ले बहुत कलरफुल नज़र आ रहा है, एकदम ब्राइट एंड कलरफुल। तो आप अगर इसमें गेम्स खेलेंगे तो आप भी पूरी तरह डिस्प्ले को एंजॉय करेंगे। सो ये था हमारा ऑनर प्ले जिसका कि हमने कंप्लीट डिस्प्ले टेस्ट कर लिया है और डिस्प्ले टेस्ट के बाद हमें यही पता चला है, चाहे आप इसमें वीडियो देखें, चाहे आप इसमें गेम खेलें, चाहे आप इसमें फोटोग्राफ्स देखें, कुछ भी करें, आप किसके डिस्प्ले को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। मस्त डिस्प्ले है इसका बिल्कुल, और साउंड देखी जाए तो वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल रही है। तो देखा जाए तो ऑनर प्ले हमारे इस डिस्प्ले टेस्ट में पास हो गया है और एक्चुअल में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।